ये बात पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार और मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल खट्टर जी, HSIDC के MD बांगड़ जी को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि यहां पे इसकी जो है इंक्वायरी कराई जाए और ये देखा जाए कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये पौधा जो है 80% पौधे बगैर पानी के खराब हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, मर चुके हैं और जो है इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ हत्या जैसा मुकदमा दर्ज होना चाहिए ताकि इनको भी ये पता लगे कि वृक्षों में भी जान होती है, ये भी जीव होते हैं। यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी फैक्ट्री मालिकों से पैसे वसूल करके अवैध रूप से कई कंपनियां चलवाई हैं जो जहरीला धुआं भी फेंकती हैं और जो लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अभी जो है ये बाईपास सड़क के ऊपर हम खड़े हैं, यहाँ पे आवागमन भी बहुत ज़्यादा है, इतनी बदबूदार इलाका, यहाँ पे रिहायशी मकाने भी हैं, बदबू है बहुत, पर्यावरण के साथ बहुत भारी खिलवाड़ की हुई है। और मैं जो HSIDC के अधिकारियों को बार बार निवेदन लिखित रूप से या मैं मौखिक रूप से भी बार बार निवेदन कर चुका हूँ और अब भी मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, HSIDC के अधिकारियों को भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है सिर्फ पैसा बनाने का जरिया छोड़ के यहाँ पे जो है ना सुधार का कार्य करें ताकि आम जन को सुविधा हो सके। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो में देखा भी होगा, दूसरा यहाँ पे अवैध रूप से HSIDC के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से कंपनियां फैक्ट्रियां चली हुई हैं जो प्रदूषण और भारी जहरीला धुआं छोड़ती हैं और बार बार जो है उच्च अधिकारियों को शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई ना होना ये संकेत करता है कि इन सभी अधिकारियों कर्मचारियों के इन कंपनी मालिकों या फैक्ट्री मालिकों के साथ मिलीभगत है। उसके अलावा यहाँ पे जगह जगह 5-7-10 जगह कूड़ादान बनाए हुए हैं अवैध। ये देखिए आप, ये फैक्ट्री के जो वेस्ट है वो सारा वेस्ट यहीं पे कहीं भी दिखाई देते हैं, वहीं पे डाल देते हैं और कई जगह इन्होंने कूड़ादान बना रखा है। मैं अपने प्रेस के साथियों से अनुरोध करूँगा और प्रेस के साथियों द्वारा ये बात मैं भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को मेरे प्रेस वाले साथी भेजे या उनके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो है ना HSIDC से हुआ है, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। धन्यवाद, जय हिंद।